चलिए आज आप लोग के साथ अपनी ज़िंदगी को रूबरू कराऊं। जी हाँ, इन्फ्लुएंसर वर्सेस हाउसवाइफ कैसी होती हैं। चले जी, सबसे पहली जंग होती है हमारी अपने आप से अपनी नींद खोलने की। तो चलिए आगे का देखते हैं। यस आई नो, इस आदमी को देखो, सिर्फ छुट्टी वाले दिन लो लोट लोट के सो रहे हैं। ये देखो, ये वो देखो। पागल है क्या? ओके गाइस, हस्बैंड से बात बात करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले जो काम होता है वो होता है फ्रेश होने का। तो मेरा हो चुका है स्किन केयर, लॉट्स ऑफ सनस्क्रीन, जो कि मुझे लगा नहीं लग रहा है। सनस्क्रीन के बिना मैं नहीं रहती। आपको खाना है क्या चीज? सत्तू का पराठा? नहीं, हम नहीं खाएंगे। पक्का? नहीं, पाल भूखे रहेंगे आप। कहा तुमने दिमाग वाली दवा नहीं खाई अपनी, लग रहा है। खा लो, डोज मिस ना करो। पराठे खाना आपको? नहीं, बहुत टेस्टी होते। दाश क्यों नहीं खा रहे हो? नहीं नहीं, आपको खाना पड़ेगा। हम नहीं खाएंगे आपको। मैं कैसे, हमें पसंद ही नहीं सत्तू का पराठा। सत्तू नहीं है वो, क्या है? बाजरे का आटा है। नहीं, हमको नहीं खाना। नहीं, बाजरे का हमें नहीं, नहीं खाना। आपको एक खाना पड़ेगा। हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे। पूरा दिन बात करना। हम नहीं खाएंगे भाई, हमको नहीं खाना, नहीं पसंद है हमको। हमको पसंद है तो आपको खाना। ये कौन सी बात? खाना है गोभी का पराठा? हाँ है, बिल्कुल नहीं देंगे, यही खाना पड़ेगा पराठा। तो अभी ये मेरा एक पराठा रेडी हो गया है, तवा गरम हो जाए फिर मैं इसको उस पे डालूंगी। बैद्यनाथ का चूरन खाओ, कायम चूरन खाओ। अभी देखो चूरन तुम्हें दिखाते हैं, अरे तुम्हारा चूरन लेकर आते हैं, रुको। अच्छा तो है। ओके गाइस, तो मैं हो चुकी हूँ रेडी सलून जाने के लिए। बाल की हालत बहुत ख़राब क्योंकि मैंने कर्ल कर रखा था। तो अभी मैं जा रही हूँ क्लासेस देने, उसके बाद हेयर वॉश करूँगी, फिर आप लोग को ले चलूँगी जहाँ मैं जा रही हूँ। ओके गाइस, तो मैं सलून आ चुकी हूँ और यहाँ पे चल रही है क्लासेस। क्लासेस के बाद सीधे मैं अपना हेयर वॉश कराऊँगी क्योंकि मुझे बाहर निकलना है, मुझे थोड़ा सा सामान वामान लेने जाना है। तो अभी देखिए यहाँ पे क्लासेस चल रही है। सबसे ज़्यादा टेंशन होता है बाहर जाने के लिए, बालों को स्टाइल करना, उसे सुखाना। तो कोई बात नहीं, अगर आपको सलून स्टाइल हेयर लुक चाहिए तो आप घर पर ही कर सकते हो बिना किसी झंझट के। मैं यहाँ यूज़ करती हूँ अगारो का हेयर वॉल्यूमिनाइजर ड्रायर। इसमें आपको 3 हीट सेटिंग मिल जाती है, 2 स्पीड सेटिंग मिल जाती है, और इसमें है नायलॉन के ब्रिसल, एंटी स्कैलरिंग टिप, सिविल कोल्ड, जो कि आपको इसे आसानी से आप इसे रोटेट कर सकते हो विदाउट बर्निंग योर हैंड योर स्कैल्प। ये आपके बालों को ड्राई करता है सुपर क्विकली। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपने सेक्शन निकाल लिए हैं क्योंकि एक साथ में नहीं करती, सेक्शन वाइज मैं अपने हेयर को ड्राई करती। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे सारे सेक्शन निकल चुके हैं। तो चलिए अब ड्राई करते हैं। ये आपके बालों को सिर्फ ड्राई ही नहीं करता है बल्कि आपके हेयर को पॉलिश करता है क्योंकि इसमें एक्टिवेटेड चारकोल ब्रिसल, 24 कैरेट गोल्ड स्टाइलिंग सरफेस, जो कि इवन हीट डिस्ट्रीब्यूट करता है, एक अच्छी सी शाइन डालता है, बिल्कुल भी फ्रिजी नहीं करता आपके हेयर को। और सबसे अच्छी बात ये आपके हेयर किधर के भी हों, लाइक पीछे के हों, क्राउन के हों, आगे के हों, ये ईजिली वहाँ पहुँच के ना बहुत अच्छे से ड्राई करता है। ओके जी, बेस्ट पार्ट पता है क्या? आपका टाइम ये बहुत कम लेता है, लाइक घंटों लग जाते हैं हेयर को सुखाने में, पर ये बिल्कुल ऐसा नहीं करता है। 1 से 2 बार आप देख सकते हो मैं ड्रायर चला रही हूँ और ये इतने अच्छे से ड्राई हो जा रहा है। ड्राई होने के साथ साथ फ्रिजीनेस नहीं आ रही, आप खुद देख लो बालों में क्या शाइन आ रही है, स्ट्रेट कितने अच्छे से ये कर रहा है। लग रहा है स्ट्रेटनर में चला रही हूँ, लेकिन आप खुद देख लो मैं स्ट्रेटनर नहीं चला रही हूँ, सिर्फ ड्रायर से ही मेरे बाल इतने अच्छे से स्ट्रेट हो जाते हैं। और रही बात इस ड्रायर की, तो इसे आप बहुत तरीके से स्टाइल कर सकते हो, लाइक आप इसे स्ट्रेट कर सकते हो, ड्राई कर सकते हो, वॉल्यूमिनाइज कर सकते हो अपने हेयर को। अभी आप देखो मैं फ्रंट का कर रही हूँ, बिल्कुल ईजली ये हो जाता है और कितने अच्छे से ये रोटेट होता है। अभी देखिए बहुत अच्छे से मेरा ये हेयर ड्राई हो चुका है, बिल्कुल भी कहीं पर भी आपको ये वेट नहीं लगेगा, बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो चुका है। और अब मैं फ्रंट का थोड़ा सा स्टाइल करूँगी, आउट कर्ल करने जा रही हूँ मैं इससे। तो आउट कर्ल मैं कैसे करती हूँ वो आप लोग को दिखा रही हूँ गाइज़।
ये देखिए मैं इस तरीके से हेयर लेकर इसे आउट की तरफ ऐसे कर्ल करती हूँ ताकि मेरी जो कटिंग है ना, जो हेयर की कटिंग है वो अच्छे से शो हो। आप ये देख सकते हो कितने अच्छे से मेरी कटिंग अच्छे से दिख रही है। और अभी मैं फ्रंट का कर रही हूँ, उसके बाद मेकअप करूँगी। मेकअप करने के बाद एक बार मैं फिर से अपना, ये देखिए फ्रंट का मैं कर रही हूँ और इसे अच्छे से वॉल्यूमनाइज में कर रही हूँ ताकि मेरे हेयर थोड़ा सा स्टाइल लगे, अच्छे से स्टाइलिंग वाला लगे कि हाँ सलोन टाइप में करा के करके आई हूँ। लेकिन आप लोगों को पता है मैं घर ही पे कर रही हूँ और ये देखिए कितनी ईजली ये रोटेट हो रहा है, बिल्कुल भी फंसता नहीं। बहुत से ड्रायर फंसने लगते हैं, बिल्कुल भी नहीं फंसता। ये देखिए कितने अच्छे से ये मेरा स्टाइल हो गया है और मुझे ये ड्रायर बहुत ज़्यादा पसंद आया। अगर आप लोग को भी पसंद आया ये ड्रायर तो लिंक मैंने इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लोग ज़रूर एक बार जाके देखना, बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। ओके गाइस, मैंने थोड़ा सा मेकअप कम कर लिया, लेंस निकाल लिया क्योंकि मुझे बाहर जाना है और मैंने सोचा था पहले कि कहीं और जाएंगे लेकिन मुझे सामान लेने जाना है। तो आप देख सकते हो मेरा बाल कितना खूबसूरत लग रहा है। ओके गाइस, क्लासेस करने के बाद, हेयर वॉश वॉश करने के बाद मैं सीधे चली आई अमीनाबाद दुपट्टा सागर यहाँ पे। ओके गाइस, मैं यहाँ पे लहंगा लेने आई हूँ। लहंगे की वैरायटीज अभी मैं आपको दिखाऊंगी कितने प्यारे प्यारे हैं यहाँ पे। ओके गाइस, तो आप देख सकते हो भैया क्या यहाँ नीचे का जो है यहाँ सिर्फ लहंगे हैं, लहंगे लहंगे। ओके गाइस, तो आप देख सकते हो एक लहंगा खुलने जा रहा है। क्या लहंगा है गाइस, पकड़ो बेटा साथ में पकड़ो, बहुत बहुत ही खूबसूरत। ओके जी, तो मैं गई थी लहंगा कुछ देखने के लिए क्योंकि मुझे लेना है लहंगा, किस लिए लेना है वो आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। तो अभी देखिए ये इनके यहाँ इतने प्यारे प्यारे लहंगे होते हैं न्यू दुपट्टा सागर के यहाँ। मैं गई थी अमीनाबाद में और मतलब इनके यहाँ के कलेक्शन, ओ माय गॉड गाइस, कोई ऐसा पेड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ लेकिन वाकई में मुझे इनके यहाँ के लहंगे, इनके यहाँ के कलेक्शन बहुत ज़्यादा पसंद है। ब्राइडल के पर्पज़ से तो आप यहाँ पर जाओ ना तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कुछ लेकर वापस ना आओ। कलेक्शन देखें आप लहंगे का, बहुत ज़्यादा मैंने नहीं दिखाया क्योंकि मुझे और भी जगह जाना था। तो ये देखिए क्या खूबसूरत चंदेरी पे है, ये भी बहुत प्यारा। और जिस हिसाब से आजकल लहंगे चल रहे हैं 40,000 50,000 60,000, उस हिसाब से बहुत कम है। महज 17,000 का था जो इन्होंने दिखाया। तो अभी यहाँ से निकलने के बाद सीधे मैं अमीनाबाद जा रही हूँ क्योंकि मुझे वहाँ से ज्वेलरी लेनी है और सारी तैयारियाँ क्यों कर रही हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। चालू करने के बाद अगर व्लॉग बनाओ तो लोग ऐसा घूरते हैं जैसे लगता है पता नहीं क्या शूट कर रहे हैं। हम देखो सब कैसे देख रहे हैं, इसलिए मैंने बाहर का व्लॉग बनाना बंद कर दिया। अभी मैं जा रही हूँ गड़बड़ाने। गाइस अपना अलग मज़ा होता है खाने पीने का, लाइक गुड़ के इतने सारे लड्डू, पीनट के और मुरमुरे के बहुत सारे लड्डू। और सबसे अच्छी बात, बिल्कुल पकौड़े नहीं खा सकती हूँ, डॉक्टर ने सख्त मना किया है मुझे बाहर का खाना। बट डॉक्टर ने स्वीट पोटैटो के लिए नहीं मना किया है तो मैं स्वीट पोटैटो खाऊंगी। ये है शकरगंजी की शॉप जहाँ से मैं खाती हूँ। ओके गाइस, मेरी प्लेट लग चुकी है, तो मसाले वाली खाना तो मैं अच्छी लगी। ओके गाइस, अमीनाबाद से वापस लौटने के बाद मुझे एक मेकअप शूट करना था जो कि ब्रांड का था और यहाँ पे देखिए मैं ये वाला लुक मैंने रिक्रिएट किया था, तो इसका वीडियो जा चुका है आप जाके देख सकते हो। और उसके बाद मुझे स्मूदनिंग करनी थी, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो स्मूदनिंग किया और अभी आप देख सकते हो क्या गज़ब की हेयर लग रहा है। और अगर आपको भी स्मूथिंग वगैरह या हेयर का कोई भी काम कराना है तो हमारे यहाँ ना बहुत प्रोफेशनली होता है, तो एक बार ज़रूर विज़िट करना। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं डेट पे, हम और मेरे हस्बैंड। तो यहाँ पे देखिए मैं फिर से तैयार हो गई थी, उसके बाद लखनऊ की ठंडक के बारे में बात कर रही हूँ। और हम लोग गए वहाँ पर नौशीजान में खाया पिया और वहाँ पर थोड़ी बातें की, गप्पे लड़ाए, फिर हम लोग सीधे घर वापस आ गए। यहाँ का लाइट का सिस्टम थोड़ा खराब है, मेरा मुंह काला।
ओके गाइस, खाने तो हम गए थे ना, पूरा घर थोड़ी ना खाने गए। दानिश उपते और वेजिटेरियन और बिल्कुल भी नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो फिर घर पे आके मैंने पुलाव बनाए। ओके गाइस, तो ये था मेरा आज का दिन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।